हम सब लोगों के लिए हर्ष, गौरव और सौभाग्य का विषय है कि एनडीए के हमारे नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि वो हम सब लोगों को भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए संबोधन प्रदान करें। हम सब लोग करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले तो इस सभागृह में उपस्थित एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नवनिर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, अब तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है, और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। साथियों,
बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। साथियों, हम सर्व पंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला। साथियों, प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ है। और ये गठबंधन का विजय हमने बहुमत हासिल किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं, यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी,
विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये तीन दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि कसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इसे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है, इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4th टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है, वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड, शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम में कह सकता हूं, इन लोगों ने जिस बीज को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वटवृक्ष बना दिया है। हम सबके पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने कहा, मुक्त मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड गवर्नेंस इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से, एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है।
साथियों, हम लोगों के सभी के कार्यकाल में, चाहे मैं गुजरात में रहा हूं या बाबू हमारे आंध्र में रहे हो या नीतीश जी ने बिहार के लिए भरपूर सेवा की, हम सब के अंदर केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण केंद्रस्थ रहा है। और देश ने एनडीए के गरीब कल्याण के, गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है, इतना नहीं मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है। जनता जनार्दन ने सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है, सरकार किसके लिए होती है, सरकार कैसे काम करती है, इसको पहली बार अनुभव किया है। वरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी, हमने उसको पाट दिया है। हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवी के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं, गुड गवर्नेंस का एक ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अपना पराया कुछ नहीं है, सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है।
उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। साथियों, हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रासरूट लेवल पे किया है, सिर्फ फोटो ऑप करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाए और फिर तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। ग्रासरूट लेवल तक सबने मिलकर के ये जो काम किया है, और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है। एक दूसरे का सहयोग किया है, हर किसी ने यही सोचा जहां कम वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है और तभी तो जीत आती है। साथियों, कभी कभी मैं कह सकता हूं कि हमारा 10 साल का अनुभव है, भारत के हर क्षेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं वे, और नेशनल एस्पिरेशंस, इसका एक अटूट नाता होना चाहिए। इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ाव होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ता है। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा, और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है, और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे, और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था, उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी, और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन गया। साथियों, अरुणाचल में हमने
लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब करीब क्लीन स्वीप के साथ, अरुणाचल क्लीन स्वीप, आंध्र, मैं अभी बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और ये जो यहां दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है, हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा, मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन में की एक होगा। साथियों, हम लोग 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत है, भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति के एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे
कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें, ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार 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 जाकर के परेशानियां पैदा की। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस हमने देखा है। साथियों, इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये जो इनकी मनस्थिति है जी, भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी, ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं। साथियों, जब 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषण बयान दिए जाते थे, यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था, लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे, चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है।
लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसके ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं। हमारे संस्कार हैं। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई, पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ू, तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे, पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते हैं। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी, ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं,
मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट पार्टिसिपेशन क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं, शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है। और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्रहित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे। साथियों, 24 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है, बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहते कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों, एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है, और हमारे पास रोडमैप भी है। साथियों, एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले, यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुलाए, उनको नकारा है। और मैं कह सकता हूं साथियों, इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के
वन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। एनडीए विकसित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाव में गया था, देश के लिए सकारात्मक सोच को लेकर के गया था, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था। जबकि हमारे सामने जो लोग थे वो भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, यही गुमराह करने वाले काम यही करते रहे थे। अब एनडीए और उनका काम देखें, इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांकन, हम लोगों का एक एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा अंतर है। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में चुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर था। साथियों, ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं, और आप देखिए चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। साथियों, हमारे लिए संतोष की बात है कि हम एक कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। 10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको, और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं कि हाँ, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, और उसके लिए मुझसे जो हो सके मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा। 3 करोड़ गरीबों को घर, ये ऐसे कहने का आंकड़ा नहीं है जी, कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसको कर पाए हैं। 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं, 3 करोड़ का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे। यानी ये भी हिम्मत है कि 4 करोड़ देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है, जरूरत पड़ी है, और राज्यों की भी उसमें इच्छा है, 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प, 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को, नागरिकों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था,
मुद्रा योजना के तहत हमारे नौजवानों को कारोबार के लिए 20 लाख तक की उनकी बैंक से उनको लोन मिले, इसकी व्यवस्था। ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं हूं, लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। साथियों, गरीब का सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा, ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक वर्ग है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये ऐसे ऐसे नए फोर्सेस में देख रहा हूं जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं, और इसलिए हम उस पर भी उतना ही, और मिडिल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बचे बने, उसके लिए, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे किया जाए, हमारे नियम नीति नियमों में बदलाव कैसे किया जाए, उस पर भी हम आने वाले दिनों में काम करते हैं। साथियों, पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी, ये हमारा कमिटमेंट है, और हमने हमारे पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति बंधन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें देश का नेतृत्व करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे चुनाव में हम सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टी रहे हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। हमारी महिला सांसदों को जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, आपने देखा होगा G20 समिट में दुनिया के सामने एक विषय लेकर के हम बड़े आग्रह से गए हैं, और वो है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, इन सारी बातों को तो हम परिचित हैं। हमने एक नया शिफ्ट किया है और हम G20 समिट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वीमेन लेड डेवलपमेंट। एक बार हमारा इस प्रकार का कमिटमेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल साफ नजर आता है। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। और ये खाली 5 और 3 का आंकड़ा नहीं है, उसके कारण जो अर्थव्यवस्था का कद बन जाता है वो सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है, और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है, और भारत के संविधान ने हमें जिस प्रकार का दिशा निर्देश किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन मैंने उसमें आग्रह रखा है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम अच्छा करने की स्पर्धा करें, और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते। और हमने देखा है, जब मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता हूं, आपने देखा G20 समिट हम एक जगह पे कर सकते थे, हम भी मालाएं पहन करके फोटो निकलवा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई, और दुनिया भर के नीति निर्धारक जो गए G20 देशों के और बाकी भी 5-7 देशों के, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, उनके देशों में जाकर के भारत की विविधता, भारत की विशालता, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए आश्चर्य है, हमने तो
दिल्ली आकर के वापिस जाते थे पता ही नहीं था कि देश इतना बड़ा है। तो ये अपनी एक ताकत का परिचय हुआ है। हमने कोविड में देखा राज्यों के साथ कोऑपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक सूत्र में रह करके लड़े, दल किसी का भी हो सरकार में, लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कमिटमेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मॉडल है गवर्नेंस का जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो रहा है जिसका अब तो केस स्टडी के रूप में दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी केस स्टडी करना शुरू की है। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं ताकि हमारे ग्रासरूट लेवल पे भी जो वीक एरियाज हैं जहां सुविधाएं अभी सामान्य एवरेज से भी नीचे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट के एवरेज तक लाना चाहते हैं। देश का रीजन कोई भी क्षेत्र हो सर्वांगीण विकास को लेकर हम चले हैं। साथियों गत 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा यानी सोचने में भी बदलाव लाए, जमीन पर तो लाए लाए वरना हमारे देश में सोचा चलेगा यार बारे एक बार कर लो ना, उस सहारे में से बदलाव नहीं, अब तो अच्छा ही चाहिए, बड़ा ही चाहिए, जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला चाहिए। सामान्य मानवी के मन को हमने इस तरह से प्रेरित भी किया है और पुरुषार्थ करके हमने उस दिशा में काम किया है। 5 साल में हमें गतिशक्ति यानी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जो काम किया है, जो काम 6-6, 8-8 महीने तक नहीं होता था वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं सर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम काम कर रहे हैं। और ये जब होता है तो उसका मूल फायदा देश के नौजवानों के लिए रोजगार के अति अवसर बन जाते हैं, उनके लिए जीवन में सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा दायरा बढ़ जाता है। और वो हमें साथियों आज भारत दुनिया में विश्व के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब कह रहे हैं तब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं फूड प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। उसी प्रकार से स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्टार्टअप्स की बात हो, स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है। साथियों मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी, विश्वकर्मा योजना, इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है। साथियों हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, उसके प्रति हम जितना ध्यान केंद्रित करेंगे दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और इसलिए हम उन दिशा में, और मैं मानता हूं भारत के लिए टूरिज्म एक ऐसा एवेन्यू है जो गत शताब्दी में हमें कभी यानी आज से लेकर के पीछे के 100 साल में कहूं ऐसा अवसर नहीं मिला है जैसा आने वाले 25 साल में मिलने वाला है। दुनिया भारत की तरफ मुड़ने वाली है। अब हमारा काम है हम इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को विकसित करें, हमारी विरासत के प्रति हमारा पर्यटन का विकास करते हुए एक विन विन सिचुएशन का हम फायदा उठाएं और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूं। और ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर स्तर के लोग कमाते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है और बड़ी बड़ी होटल वाला भी कमाता है, हर कोई इसमें कमाता है और हमने टूरिज्म के हम बल देना चाहते हैं, बहुत पोटेंशियल है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र खुले हैं इसका फायदा इसको मिलता है, एयरवे हो, रेलवे हो, हमारे एक्सप्रेस वे हो, ये हमारा यातायात जितना बेहतर हो और हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी का जो काम है ये इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ग्राउंड तैयार कर रहा है और जिसका फायदा मिलने वाला है। और जो वोकल फॉर लोकल और रीजनल टूरिज्म इसको एक बल देने का काम है। साथियों अब दुनिया एक नए युग में प्रवेश रही है, जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई उस समय हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे, तो औद्योगिक क्रांति का जितना फायदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाए। अब एक नया युग शुरू हो रहा है, हरित युग, ग्रीन एरा। भारत के पास बहुत संभावनाएं हैं इसका नेतृत्व करने की,
और हम इसके लिए आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, ग्रीन एनर्जी हो, या ग्रीन जॉब्स हो, या ग्रीन मोबिलिटी हो, इन सारे विषयों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस हरित युग का नेतृत्व दुनिया में भारत का सामर्थ्य सिद्ध कर दें, ये हम चाहते हैं। साथियों, इसी सिलसिले में इस 5 जून को जब पर्यावरण दिवस था, 4 जून को नतीजे आ गए थे, तो उसी दिन मेरे मन में एक विचार आया कि कार्यक्रम 5 जून को हमने आरंभ किया, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी को मां के प्रति श्रद्धा होती है, और मैं भी देशवासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्मदिन हो, क्या कोई और शुभ दिन हो, अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाइए, और मां जीवित हैं तो साथ लेकर जाइए, उनकी फोटो आप सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए, और मां नहीं है तो उनकी फोटो रख करके एक पेड़ लगाइए, और वो अपनी मां का भी सम्मान होगा और धरती मां की सेवा होगी। हम इन दो माताओं की सेवा करें। साथियों, एनडीए अब भारत आइसोलेशन में नहीं जी सकता, वैश्विक परिवेश में भारत की भूमिका दिनों दिन बहुत बढ़ती चली जा रही है। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, पूरे विश्व में उसी एक पल से ही एक नया जिज्ञासा पैदा हुई, थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे, और फिर उस बदलाव बहुत बड़ा तेजी से आया, और पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है, आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है, और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रूप में स्वीकारती है तो हमारी वैश्विक जिम्मेवारियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्व देना ही होगा, और भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को हमने प्राथमिकता दी, उसका परिणाम है कि सामान्य मानवीय के मन में ये विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ, और भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है। चाहे यूक्रेन का संकट हो, चाहे अफगानिस्तान का संकट हो, हर हमारे लोगों को बचाना हो, हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है। और साथियों, ये क्षमता के कारण भारत में निवेश की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली है। मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगतिशील नीतियां बनाकर रेडी रहिए, विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और जो राज्य ज्यादा स्पष्ट नीतियों के साथ आएगा, जो राज्य उन कंपनियां विदेश जाने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा, उसको बेनिफिट मिलने ही वाला है। और भारत ने जो नीतियां बनाई है, भारत ने जो वातावरण बनाया है, उसका लाभ भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए, और उस दिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं। साथियों, हमने G20 समिट में देखा है, दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। जो लोग इन चीजों को माइन्यूटली देखते होंगे उनको पता होगा कि G20 एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था, उतार चढ़ाव आते रहते थे, बिखराव भी नजर आ रहा था, लेकिन भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है, नया सामर्थ्य आ गया है, और ये भारत की ताकत है कि उसने पूरे विश्व को जोड़ने में G20 के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। और उसके इन दिनों भी जो परिणाम आए इसके बाद, मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिनंदन स्वीकार करने में गया, और शायद मैं जैसे 14 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बार फ्लो है। दुनिया के करीब करीब अब नाम ले, उसने भारत को शुभेच्छा व्यक्त की है या बात करने की कोशिश की है, यानी ये वैश्विक जो हमारा
ताकत है उसका परिचय करवा रहा है और उसके कारण मैं मानता हूं कि विश्व में हमारा सम्मान और साथ साथ भारत में निवेश, ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है। साथियों, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। हम चाहते हैं कि संविधान हमारी संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण भर इसके मात्र के लिए है, ऐसा नहीं कोई अदालत में धाराओं का उपयोग करके काम करने के लिए नहीं है। ये एक हमारी भावना है, हमारा स्पिरिट है और हमें इस 75 साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संविधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुंचाएं, हर जन को संविधान की जो भावना है, कर्तव्य की भावना है, अनेक बातें ऐसे इस बात है, उन सब प्रति समर्पण उसका बढ़े, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष के उत्सव में देश आज रंगा हुआ है और हम हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है क्योंकि उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते ही राष्ट्र प्रथम की भावना हमें मजबूती देती है और इसलिए हम देश में इसी एजेंडा को आगे रखते हुए और जब इसी समय 350 साल का पर्व आया है तो हमें अपनी पॉलिसी और परफॉर्मेंस और सामान्य मानवी का जीवन बेहतर करना है, उसमें जरा भी विलंब नहीं करना है। साथियों, विकास की सारी तैयारियां रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही, चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम नए नए सांसद आए हैं, कुछ पुराने सांसद हैं, कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी हैं। आप देखते हैं कि इन दिनों, पिछले दो दिन से आप टीवी पर देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूं, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है, कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर और कुछ लोग बद इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। साथियों, विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम चले हैं।
तीन नंबर की इकोनॉमी पहुंचना मैं जानता हूं, निश्चित रोड मैप के साथ उसको हम पार करने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है, मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में, मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं, उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। और साथियों, मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावनाएं लेकर के आया है। लोकसभा का ये गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो एनडीए के साथी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं, और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन की ओर भी इसके बाद जाएंगे। तो एनडीए के साथी तमिल लडवन देवनाथ, हाँ जाओ जाओ। एनडीए के साथी या वरिष्ठ नेता जो स्वागत के लिए आए हैं वो एक आगे धीरे धीरे जा सकते हैं। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय, यह ऐतिहासिक बैठक है और प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है, एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो एक बार फिर से तीसरी बार लगातार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये ऐतिहासिक पल है जब सभी दलों ने सर्वसम्मति से, एनडीए से जुड़े सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से
नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे के साथ जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। माननीय राष्ट्रीय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा आग्रह पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है और किस तरह से देखते हैं इस एनडीए की बैठक को? तमाम जो आशंकाएं थी वो खारिज हुई हैं, तमाम जो संभावनाएं इंडी गठबंधन के लोग तलाश रहे थे उनको धता बताया है। आज न सिर्फ एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने बल्कि प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने कहा कि ये एनडीए की महाविजय है और एनडीए का जो एक इतिहास रहा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और किस तरह से विकसित भारत के एक विजन को आगे बढ़ाना है सभी को साथ लेकर उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया चुनाव प्रचार के दौरान उस पर भी एक निशाना साधा और जब चुनावी नतीजे आए जिस तरह की बातें कही गई उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर अपनी बातें रखी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है जब भाजपा संसदीय दल एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है उसके लिए एक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा था, तमाम एनडीए के सहयोगी नेताओं ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का एक दल राष्ट्रपति भवन जाएगा इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए एक बहुत ऐतिहासिक पल इसलिए है कि 1960 के बाद भारत की राजनीति में ऐसा कोई मौका नहीं था जब लगातार तीसरी बार कोई नेता प्रधानमंत्री बना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अगुवाई में एनडीए ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है और वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक आंकड़ा भी प्रधानमंत्री ने रखा कि पिछले तीन चुनावों के अगर नतीजे देख लें तो कांग्रेस को उतनी सीटें हासिल नहीं हुई है जितनी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। तो ये चुनाव दरअसल एक और रिकॉर्ड बनाया है इस चुनाव ने कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी वो लगातार तीन चुनाव में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले एनडीए के जो तमाम प्रमुख सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पवन कल्याण जनसेना पार्टी के वो मुखिया है, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, एक नाथ शिंदे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को एनडीए का संसदीय दल का नेता बनाने जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और एक स्वर में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आगे ले जाने की बात कही। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने अगले 10 साल के एनडीए के विजन को भी सामने रखा और जानते हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर 25 वर्षों के भारत के विजन की बात करते रहते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है देश में,